12 तारीख के आएंगे ना तो सब भाड़ा पर आदमी रहेगा, एकाध आदमी भी उनको नहीं रहेगा, न तो नजर से देखिएगा। देखिए युवाओं के लिए उसके सब डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है। पकौड़ा तलने के लिए तो पहले सजेशन दे चुके हैं, तो पकौड़ा तलना है तो प्रधानमंत्री और भारत सरकार का क्या योगदान है? मोदी जी को डर हो गया है कि हमारा कुर्सी डगमगा रहा है, इसलिए वो रोड शो के लिए आ रहे हैं। अरे भाई मोदी जी कितना पास है? मोदी जी छोड़िए, ये सब 2-4% सुअर हर देश में लौटते हैं, काम है ये सब का, काम है मोदी को नाम उछालना। 2014 में बोले थे 15 लाख सबको आएगा, मारिए 15 लाख यार, 2 लाख तो गरीब को खाता में डाल दो। मोदी जी आ रहे हैं, देखने जाइएगा। क्यों नहीं जाएंगे देखने के, देश का प्रधानमंत्री है, देखना तो बनता ही एक बार। हाँ जी नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने जा रहे हैं और आपको बता दें कि रोड शो करेंगे। पटना के बेली रोड से लेकर के डाक बंगला चौराहे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होगा। 12 मई को पटना आ रहे हैं प्रधानमंत्री और पटना वासियों से जानेंगे कि पटना वासी इसको लेकर के कितने उत्साहित हैं और क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो उनसे क्या आशाएं हैं लोगों की, वो भी जानना जरूरी है। तो पटना के लोगों से जानेंगे, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जान तो रहे हैं, मगर 10 साल तो थके थके थका रहे हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं मोदी जी पटना? आ रहे हैं, बेगूसराय भी मोदी जी आए। हमारे जो सांसद है गिरिराज जी, वो खाली हिंदू मुस्लिम का नफरती राजनीति कर रहे हैं। हमारे बेगूसराय में आज तक कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ, जब से ये 5 बार थी सांसद ये बने हैं, अगले बार और फिर अभी ना ठहरे हुए, 5 बार खाली दंगा हुआ है बेगूसराय में, ये रिकॉर्ड आप पता कर लीजिएगा। वो हाँ गिरिराज जी के कहने पर दंगा हुआ है 5 बार। आए तो कौन करवाए हैं आप? कौन हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं? आज तक तो बिहार में कहीं तो हिंदू मुसलमान नहीं होती थी। हम भी अयोध्या जी से आ रहे हैं, हम भी राम का अयोध्या गए थे। हाँ हम राम जी का पक्का भक्त हैं और हनुमान जी का मैं छोटा बेटा हूँ। हाँ मगर मैं लालू जी का भी मैं उतना ही भक्त हूँ। इसमें माता सरजू का जल है, जल लेके घर जा रहे हैं। हाँ घर जा रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवाए हैं, राम मंदिर जी जैसे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनवाए हैं, 15 लाख 2014 में बोले थे 15 लाख सबको आएगा, मारिए 15 लाख यार, 2 लाख तो गरीब को खाता में डाल दो, कहीं भूंजो कुरकुरे बेच को तो जी लेंगे। कह रहे हैं कि राम मंदिर जहाँ आप दर्शन करने जा रहे हैं, हाँ ऐसा कोई बात कि हम लोग है, जो राम का है वो आपका हो ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जुमला कर दिया मोदी जी, वो भी कहा कि 15-15 लाख 15-15 लाख है सब जनता के खाता में देवे ला बोले थे। 12 तारीख के आएंगे ना तो सब भाड़ा पर आदमी रहेगा, एकाध आदमी भी उनको नहीं रहेगा, न तो नजर से देखिएगा। हाँ एक आदमी उनको नहीं रहेगा, भाड़ा पर सब रहेगा, पैसा पर रहेगा खाली। अच्छा प्रधानमंत्री आ रहे कुछ आशाएं तो होंगी? 12 तारीख के देखिएगा, हम इतने रहबे करेंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं कुछ आशाएं तो होंगी आपकी? हम नहीं तो अगर रहबे करेंगे तो क्या आशा रहेगा? कितने बार आके चले गए मोदी जी, क्या आशा है? उन्होंने अपना मैनिफेस्टो ही निकाले हैं, कहीं रोजगार का बात की है? बेरोजगारी दूर करने का कहीं बात की है मोदी जी? मोदी तो स्टेज पर चढ़ते हैं बोलते हैं कांग्रेस ने मुझे 90 गाली दिया, उसका जवाब देंगे, लेकिन मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि काला धन लाने का वादा किए थे उसमें ना सफल हो गया। मोदी जी स्टेज पर चढ़ते बोलते हैं कांग्रेस ने 90 गाली दिया, सुन सुन के बदला लेंगे। मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि प्रति साल 2 करोड़ का लोकसभा सीट, 2 लोकसभा सीट पटना साहिब और पाटलिपुत्र दोनों में रोड शो करेंगे, क्या लगता है बोल रहे कि हम जीतेंगे? देखिए जहाँ तक बात है पाटलिपुत्रा का, तो पाटलिपुत्रा फिक्स है कि वहाँ पर रामकृपाल यादव कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है, क्या कि वहाँ काम दिखता है उनका, ठीक है। पटना साहिब का सीट जा रहा है, क्या कि रविशंकर प्रसाद जी का काम नहीं दिखता है, 2 दिन पानी पड़ जाएगा तो कंकड़बाग मुसल्लेपुर हाट लोहानीपुर राजेंद्र नगर में नाव चलने लगता है, ये काम लोग है इनसे जाने की कोशिश करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं, देखने जाइएगा। क्यों नहीं जाएंगे देखने के, देश का प्रधानमंत्री है, देखना तो बनता ही एक बार। हाँ जी कुछ आशा है, युवा है आप, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कुछ युवाओं के लिए अच्छी अच्छी बातें कहेंगे ऐसा लग रहा है?
लगता तो नहीं है, बस देख सकते, बात तो कुछ इससे कर नहीं सकते, बस बोल ही सकते। आशा है कुछ कि बिहार में इतनी बेरोजगारी है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं बोलना चाहेंगे उनसे कि जो भी है बेरोजगारी, जो भी अभी आज के डेट में बहुत काफी बेरोजगार बैठे हुए बिहार में, बस उन्हीं से मतलब यही मोदी से गुजारिश है कि काफी बेरोजगार बैठे उनको जॉब मिले। प्रधानमंत्री आ रहे, युवा है, बताइए कुछ आशा है प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री तो आएंगे नहीं, आशा प्रधानमंत्री से मोदी आ रहे हैं। मोदी तो आ रहे हैं, प्रधानमंत्री है, लग रहा है कि बिहार के युवाओं के लिए कुछ बोल दे कि हम रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे, तो देंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं क्या, जाइएगा देखने प्रधानमंत्री? काहे नहीं जाएंगे देखने, हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, काहे नहीं जाएंगे देखने के लिए? हम लोग का क्षेत्र नित्यानंद राय का क्षेत्र है, हम लोग उनको पूरा एकदम 13 तारीख को जाके पूरे एकदम वोट कर रहे हैं नित्यानंद राय जी को। ये सब 2-4% सुअर हर देश में लौटते हैं, वो काम है, ये सब का काम है मोदी को नाम उछालना। ये लोग मोदी को लाने वाला यही लोग है, ये लोग प्रचार कर रहा है, ये लोग जितना भी स्टेशन पे कहीं भी देखिएगा ये लोग प्रचार कर रहा है मोदी को। मोदी जी आ रहे हैं 300 पार नहीं 300 400 के बीच आ रहे हैं। है तो युवाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ स्पेशल मोदी जी बोल दे, बिहार में बेरोजगारी बहुत है, युवा बहुत है। तो बहुत है, जो भी कहे बेरोजगारी बहुत है। कुछ दिन पहले, एक साल पहले कहा था दरभंगा में एम्स बन गया तो कहाँ बना, पूरा सब जनता पूछ रहा है ना एम्स कहाँ बना दरभंगा में। आई भाषण दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जो, एम्स बन गया था दरभंगा में, पूरा शोभन में बन गया एम्स, बना कहाँ एम्स? हम तो बस ऐसे ही ये कर रहे हैं, बाकी सारा सीट तो हमारा ही है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जो भाषण दिया पूरा मैक के साथ बोला तो दरभंगा में एम्स बन गया, वही ना जनता दरभंगा जनता पूछ रही है कहाँ बना एम्स, बोले ना। तो युवा है आप, आपको लगता है प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आप देखने जाइए प्रधानमंत्री? मोदी अच्छा है हम समझते हैं, लेकिन बहुत काम ऐसा भी है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन है अच्छा मोदी। गलत भी गलत नहीं, अभी कहा दरभंगा में एम्स बन गया, ये कहाँ बना, अभी तो कुछ हुआ नहीं। हम बस एक बात बताओ, आपको क्या चाहिए? युवा के चाहिए नौकरी, चाहिए नौकरी, चाहिए सिर्फ नौकरी युवा के लिए। मोदी जी पे आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि रोजगार और नौकरी की बात कभी नहीं करते हैं, क्या अब धर्म बहुत तो अपना धर्म के पीछे पागल है, अपना धर्म पे लहे पागल अलग बात है, लेकिन जनता चाहता है कुछ रोजगार मिले तब ना कुछ होगा, आप भक्ति कहीं से कुछ मिलेगा? रोड शो सफल होगा आपको लगता है? उम्मीद तो है, उम्मीद तो है पूरा पूरी मिलेगा, वोट जरूर मिलेगा। बहुत काम अच्छा भी किए हैं मोदी का, हम भी हैं समाज तक, लेकिन बहुत काम को हम देखते हैं अति। आप बताइए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या लगता है लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए कुछ खास बोल सकते हैं? देखिए जो कि पिछले 10 साल से बिहार में आ रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, खुशी की बात है आ रहे हैं, और बिहार की जनता पहले से मालूम है कि 10 साल में जिन्होंने रोजगार नहीं दिया वो बिहार के युवाओं को क्या देने वाला है, सिर्फ लाल जाइएगा देखने प्रधानमंत्री कौन रोजगार नहीं। देखिए प्रधानमंत्री तो टीवी में भी देख लेंगे, जाएंगे चाहे नहीं जाएंगे, वो तो आप लोग हैं उसको लाइव कवर करने के लिए, सारे मीडिया के लोग रहेंगे वहाँ पे, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? अपना काम छोड़ करके एक झूठा भाषण ही सुनना है सिर्फ कि 1 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, कितना करोड़ देंगे, तो टीवी पे ही सुन लेंगे, जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं जाएगा प्रधानमंत्री जी, नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, बाकी लोगों का मैं नहीं लेता। खाली रोजगार जाएंगे प्रधानमंत्री भी चाहिए, बिहार में बेरोजगारी भी बहुत है और युवा भी बहुत ज़्यादा है, युवाओं के लिए कुछ बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? बोलना चाहिए, आपकी क्या मांग? देखिए युवाओं के लिए उसके सब डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है, पकौड़ा तलने के लिए तो पहले सजेशन दे चुके हैं, तो पकौड़ा तलना है तो प्रधानमंत्री और भारत सरकार का क्या योगदान है? लेकिन रोजगार वाले हैं, बिहार से बहुत अति प्रेम है उनका, बहुत पटना से बहुत लगाव है, रोजगार मिलेगा, रोजगार खोजेगा, रोजगार मिलेगा। अरे भाई आप भी बोलिएगा सर, आने की देखिए युवाओं के लिए या बिहार के लिए, आज तक जो है कि जब से प्रधानमंत्री जी बने हम लोगों के यहाँ तो ज़्यादातर रेलवे में जाते थे, रेलवे का वैकेंसी रोकवा दिया। पटना से बिहार से बोलते हैं कि बहुत स्नेह है प्रधानमंत्री को, उतना स्नेह है? यही स्नेह है, रेलवे जो चकमक कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में दे करके,
किसको यही विकास किया है? किसको दिया? अडानी को। किसको दिया? बताइए अडानी का नाम लिखा है, नाम बताइए ना, उसका नाम लिखा है अडानी का? अच्छा ये गूगल सर्च कर। अरे अरे वो तो कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी मोदी जी थे, अब कहाँ चले गए मोदी जी? नहीं है भाई, हाँ वैक्सीन से गायब हो गए मोदी जी, अब क्रेडिट नहीं ले रहे मोदी जी, हमने बनवाया है, अब क्यों नहीं, अब तो बताएंगे मोदी जी। चुनाव आया था, वैक्सीन का बात आ गया, आज चुनाव से पहले कोई वैक्सीन के बात ही नहीं कर रहा था जी। लेकिन पहले फोटो लगा हुआ था, फोटो नहीं लगा, एकदम लगाए, देखिए मेरे पास है, कोविशील्ड हम खुद लगवाए हैं, अब कोविशील्ड लगवाने के बाद हम पूरा स्वस्थ हैं। कोविशील्ड हम खुद लगवाए हैं, तीन तीन, एक नहीं तीन तीन, चमचो बर्नौल खरीद लो 4 जून को, फिर कोविड बिना कोविशील्ड वैक्सीन लिए हुए हार्ट अटैक आएगा चमचो का, ये लिख के देते हैं आज के डेट में। इधर रामकृपाल यादव, इधर रविशंकर प्रसाद, उधर नित्यानंद राय, पूरा एकदम आँख बंद करके आ रहे हैं, मुंगेर नंदा लेके आ रहे हैं, पूरा ऐसा है, जनता पार्टी है बीजेपी बड़का। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि तीनों सीट इधर का, फिर उसके अगले दिन हाजीपुर सारण सब जगह जाएंगे, जा रहे हैं, सबसे जा रहे हैं मोदी, सब नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मणिपुर पे नहीं, उनका दौरा बंद हो गया है, अमित शाह जी नहीं जा रहे हैं मणिपुर, लद्दाख नहीं जा रहा है, ये सब रोजगार खोजने वाला आदमी है, ये लोग को रोजगार कहाँ मिलता है, रोजगार देने वाला आदमी चाहिए, हम लोग को 300 रुपया मिल रहा है इसलिए चिल्ला रहे हैं, 500 रुपया मिल रहा है। अच्छा भैया आप मणिपुर का बात किए हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जाइए 100% जाएंगे देखने, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। अच्छा पटना में आ रहे हैं, पटना के लिए कुछ विशेष लगता है कि प्रधानमंत्री तो उनका बिहार में फूल बहुमत से केंद्र में तो है ही है, बिहार में बीजेपी की सरकार चाहिए फूल बहुमत से, तब विकास नजर आएगा, मिलजुल से नहीं काम चलेगा, 25 में फूल बहुमत चाहिए बिहार को, बीजेपी को, तब विकास होगा बिहार में, जोगी मोड़ो। तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके परिवार से डर गए हैं, जिस परिवार के बारे में, वो तो खुद रोजगार ढूंढ रहा है, वो कुछ रोजगार देगा चाहिए बिहार में, तो खुद 8वां पास रोजगार ढूंढ रहा है, कि हम सही सेट हो जाए भाई, वो सब नहीं। अरे भाई मोदी जी कितना पास है, मोदी जी छोड़िए, अरे मोदी जी कितना पास है, जवाब दो, अरे मोदी जी कितना पास है, ये बात कहां बोल दे आप, ये बात आप क्यों बोलते हैं, आराम से रोजगार बोले, चोर आज चोर मोदी चोर है, मोदी चोर है, आज मोदी जी कितना पास है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 12 तारीख को पटना में, जाइए, मोदी जी को डर हो गया है कि हमारा कुर्सी डगमगा रहा है, इसीलिए वो रोड शो के लिए आ रहे हैं, रोड शो करने वाले हैं, इसी भाई से रोड शो कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री को पटना में रोड शो करा के शोभनीय देता है, मोदी जी थर थर आ रहे हैं, ये देखिए सीना है और आदमी के कारा के थर थर आ रहा है, देखिए 15 साल का मोदी का विकास गुजरात है, 15 साल का लालू का विकास राघोपुरे जाके देख लीजिए, लालू जी को हटाया किस लिए, इसीलिए हटाए ना, उसके बाद आप लोग क्या किए, उसके बाद क्या किए, 17 साल मिले ना, वो क्या किए, रोड बनाया, बिजली दिए, गैस दिए, पानी दिए, ये लोग से जाने की कोशिश कर रहे थे और समर्थक थे, आपस में ही भिड़ गए, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करेंगे, तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो पहले ये बताएं कि इतने सांसद दिए हमने, उसमें उन्होंने क्या करके दिखाया था कि पटना आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और रोड शो में हम प्रधानमंत्री को देखने क्यों जाए जब वो हमको टीवी में दिख जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को बोलना तो वही रिपीटेड बात ही है जो लोग अक्सर टीवी में सुना करते हैं, लोगों का ये कहना है और कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा काम किए हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग देखने जरूर जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।